विदिशा जिले के सिरोंज तहसील रोड पर कई वर्षों से अतिक्रमणधारियों ने कब्जा कर रखा था, जिसके चलते गांधी जयंती के दिन राजस्व विभाग और नपा के अमले के साथ एसडीएम और एसडीओपी ने तहसील रोड पर अतिक्रमण में बने एक ट्रैक्टर वर्कशॉप और लोहार समाज के 7 घरों को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने अतिक्रमणधारियों को 10 दिन पूर्व नोटिस जारी किए थे और विगत कुछ दिनों से अनाउंसमेंट भी कराया गया था। इसके बावजूद भी अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जिसमें पुलिस ने बलपूर्वक लोगों को घरों से निकाला। वहीं कार्रवाई के दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिसका तत्काल शासकीय अस्पताल में टीम ने आकर उपचार किया। वहीं इस मामले में ट्रैक्टर वर्कशॉप मालिक का कहना है कि प्रशासन द्वारा पक्षपात रूप से अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है। वहीं रहवासी बबलू लोहार का कहना है कि प्रशासन गांधी जयंती के दिन मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं और हमारे पास 4 तारीख का नोटिस था, लेकिन 2 दिन पहले ही हमें घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में तहसीलदार का कहना है कि जो लोग अतिक्रमण में रह रहे थे उनके लिए जगह चिन्हित कर शिफ्ट किया जाएगा। सिरोंज से संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। इसका केस 5-6 महीने पहले नोटिस आया था, उसकी हम वकील करके पेशी भी कर रहे थे कि ये 4 तारीख को पेशी थी, लेकिन आज गांधी जयंती के दिन 2 तारीख को ये घर तोड़ रहे हैं। अभी भी हमारे पास 2-3 दिन है, लेकिन इन्होंने हमारे 3 लाख रुपए की मशीन मिटा दी और हमारा छोटा से छोटा सामान इन्होंने मशीन के नीचे घर के नीचे दबा दिया। 30 लाख रुपए का मिटा दिया। हमारा कम से कम 50 लाख का नुकसान हो गया है यहाँ पर। नोटिस वगैरह हमको 5-6 महीने पहले मिला था, उसकी हम पेशी कर रहे थे, तारीख पे तारीख हम लड़ रहे थे, लेकिन अभी तारीख हुई नहीं, अभी 4 तारीख अभी मौजूद है, लेकिन उसके पहले तोड़ दिए इन्होंने। हमको 40-50 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर, हमारा नुकसान कर दिया इन्होंने इतना सारा। ये शोरूम नहीं है, वर्कशॉप है, ये मेरे लड़कों के नाम है जमीन, और मुझे नोटिस मिला था। मैंने श्रीमान को निवेदन किया कि अगर SLR से नपा दिया जाए मेरा, अगर SLR के उसमें भी अगर मेरा निकलेगा, मेरी बगैर सूचना की जो है नाप के और तोड़ा जा रहा है, जिससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और अनाउंसमेंट में कोई मेरा नाम नहीं था सर। अब अनाउंसमेंट तो रिक्शे पे रोज चल रहा है कि जिनका अतिक्रमण हो वो हटा लें। अब इससे मेरा अतिक्रमण में मानता नहीं हो, क्योंकि मेरे पास कागज हैं, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास सीमांकन है, सीमांकन की ब्याप पे ही मैंने ये जमीन खरीदी थी। उस टाइम से मैंने और 4 फीट जगह छोड़ के बनाई थी, वहां से अशोक कुमार के मकान से, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी के मकान से, और यहाँ तक मेरी दूरी 355 फीट है। और ये सरकार इनकी भी आ रहा उसकी जगह और उनकी जगह मिला के उनको 300 फीट से भी कम चाहिए। ये शासकीय भूमि का एक गुहा रास्ता था, वो उसमें अतिक्रमण हो गया था, तो उसी अतिक्रमण के संदर्भ में पटवारी द्वारा नोटिस दिया गया था इनको अतिक्रमण का, और उसके आधार पर नगर पालिका को जमीन आवंटित की गई थी, उसका रास्ता बंद हो रहा था, उस रास्ते को खुलवाने के लिए ये अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो शासकीय वेयर हाउस है, वेयर हाउस की जमीन पर भी इन लोगों ने काफी लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था, और उस अतिक्रमण हटाने के लिए हमें निर्देश मिला था कि उसकी बाउंड्री बनना है वेयर हाउस की, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है।